आज हम बनाएंगे फ्रेंच बीन और आलू की सूखी सब्जी, बिना गरम मसाला पाउडर का, बिना अदरक और लहसुन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा ज़्यादा तेल भी ऐड करके बना सकते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं, तेल काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि बारीक कटा हुआ है। एक दफ़ा पूरे अच्छे तरीके से चला लेना है। फ्लेम यहाँ पर लो रखे हुए हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं 250 ग्राम फ्रेंच बीन, जो हमने लंबे लंबे कट किए हुए हैं। और यहाँ पर लेते हैं 2 मीडियम साइज़ का आलू, जो मोटे पीसेस में कट किए हुए हैं, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके बाद यहाँ पर ऐड करना 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चला लेना। अब यहाँ पर हम फ्लेम मीडियम किए हुए हैं, अब मीडियम में ही एक दफ़ा अच्छे तरीके से चला लेना है। यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से हम चला चुके हैं और लीड लगा दिए हैं और फ्लेम को लो कर दिए हैं। लो फ्लेम में 10 मिनट तक रहने देंगे। फिर 10 मिनट के बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर और गलना भी बाकी है, बीच बीच में इसे चलाते रहना है, नहीं तो चिपक जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम फिर यहाँ पर चेक करेंगे कैसा तैयार हुआ है। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा और गलना बाकी है, तो फिर से अच्छे तरीके से चला लेना है। और फ्लेम का खास करके ख्याल रखना है कि लो फ्लेम में ही पकने देना है। अब 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर फिर देखते हैं तो यहाँ पर गल चुका है। अगर आपका अच्छे तरीके से ना गले फ्रेंच बीन, यानी कि उतना फ्रेश ना हो, तो 1/4 कप पानी ऐड करके गला सकते हैं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्रेश फ्रेंच बीन था, इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। और आलू यहाँ चेक करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से कट भी हो जा रहा है और फ्रेंच बीन भी गल चुका है। तो अब पूरे अच्छे तरीके से चलाने के बाद यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढक कर रख देंगे। तब तक ढक कर रखना है जब पूरे अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अब पूरा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से चला लेना है। और फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं। अगर आप फ्राई करना नहीं पसंद करते तो नहीं करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्राई करके खाना। तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई हो चुका है। फ्लेम हाई नहीं करना वरना जल जाएगा, मीडियम फ्लेम में ही इसे तैयार करना है। अब यह काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा फ्रेंच बीन और आलू की सूखी सब्जी तैयार हो चुकी है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो एक बार हमारे तरीके से फ्रेंच बीन और आलू की सूखी सब्जी तैयार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें।